आज की जो सी प्लस प्लस की क्लास है इसमें हम फॉर लूप के बारे में जानेंगे। फॉर लूप के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे हम लूप का यूज करेंगे अपनी क्लास के अंदर। तो यहाँ पर कुछ डिटेल, जैसे हमारी जो डेट वाली क्लास थी उसी में हम आगे बढ़ते हैं और उसी में हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। हमको करना ये है कि हम जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे उसके आगे एक हफ्ते की डेट वो लूप चला करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम वही काम करने वाले हैं। आपने देखा भी होगा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में जो भी आप डेट सेलेक्ट करते हैं उसके आगे की कम से कम एक हफ्ते की डेट वो दिखाता है और उनकी स्टेटस भी दिखाता है, ताकि आपको सीट उस दिन ना मिल रही हो तो अगले दिन की सीट बुक करें या उसके अगले दिन की, पूरे हफ्ते भर की स्टेटस आपको दिखा देता है। तो सेम यही काम हम अपने डेट वाली क्लास में करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में बनाया है। तो चलिए हम सी प्लस प्लस के विंडो पे जंप करते हैं। 1 सेकेंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी और हम उसी कल की बनाई हुई लास्ट क्लास में जो हमने बनाया था डेट वाला क्लास उसी में मॉडिफाई करेंगे। तो 1 सेकेंड के लिए स्क्रीन आपकी जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर टर्बो सी प्लस प्लस का जो विंडो ओपन है और लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर एक फाइल बनाई थी जिसका नाम हमने दिया था dt.cpp, जिसमें हम डेट को इम्प्लीमेंट किया था। हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया था, एक क्लास बनाई थी डेट इंट ddmmyy, एक कंस्ट्रक्टर बनाया था गेट डेट बनाया था जिससे हम डेट इनपुट ले रहे थे mmddyy, और आउटपुट के लिए शो बनाया था और हमने स्विच केस का यूज किया था इसमें शो मंथ करने के लिए। ये हमारी कल की क्लास थी। अब हम इसमें एक नई चीज और ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक लूप लगाएंगे और उस लूप लगाने के लिए पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा void show next 7 date। शो नेक्स्ट 7 date नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। नाम याद रखेंगे आप लोग, स्पेलिंग मिस्टेक, बड़ा नाम है इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक होने पर वो काम नहीं करेगा, एरर देगा। मैंने एक नया फंक्शन बना दिया उसके अंदर। देखिए यहाँ पर क्लास यहाँ पर एंड हो रही है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर बनाया और अब शो नेक्स्ट 7 date में अगर करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा वो देखेंगे हम। यहाँ पर देखते हैं कि आउटपुट क्या होगा। तो पहले जो हमारी जो डेट है ये जो है, यहाँ पर हम लिखेंगे इंट आई और फॉर आई इक्वल टू, हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं और आई लेस देन इक्वल टू 7। लूप हम 7 बार हमें चलाना है लूप, इसलिए मैं 1 to 7 चालू कर दिया लूप। ये 1 से लेकर के 7 तक लूप चलेगा। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा, सीधा शो लिख दूंगा। देखिए जैसे ही शो लिखूंगा तो क्या करेगा वो, ये वाला शो को प्रिंट कर देगा। एक डेट प्रिंट हो जाएगी हमारी, ये जो शो करने से एक डेट जो भी हमने दी है, मान लीजिए 1 नवंबर दी है हमने, तो 1 नवंबर 2020 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम साथ साथ ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बहुत ही अच्छी चीज है जो हम कई सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर वॉइड लेता हूँ ऑपरेटर और प्लस प्लस, मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूँ ताकि डेट को मैं प्लस कर सकूँ, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिया और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जब भी ये ऑपरेटर को कॉल किया जाएगा या तो वो डी को जो है प्लस प्लस कर देगा, डेट को प्लस प्लस कर देगा। तो मैं यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी यूज कर सकता हूँ और साथ ही साथ पहली बार जब मैं शो किया तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी प्लस प्लस, सॉरी डी डी है, डी डी प्लस प्लस, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट टाइम ये शो करेगा। तो देखिए आप यहाँ पर मैंने इसका कोड लिखा है, ये जो फंक्शन मैंने लिखा शो नेक्स्ट 7 date, शो नेक्स्ट 7 date, इसमें इंट आई लिया क्योंकि मुझे लूप चलाना था, लूप 7 बार चलाया और
और यहाँ पर पहले शो किया, फिर डीडी को इंक्रीमेंट कर दिया, फिर जब दूसरी बार आएगा तो अगली डेट आएगी, 2 तारीख आ जाएगा, 2 नवंबर, फिर ये इंक्रीमेंट कर देगा, फिर 3 नवंबर, फिर 4 नवंबर, ऐसे 7 बार चलेगा, क्लियर है। तो ये फंक्शन जो बनाया है इसमें मैंने लूप का यूज किया है और ये रेलवे रिजर्वेशन के जैसा हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर D1 और D2 दोनों को लिया हूँ और D3 हम अभी फिलहाल हटा देते हैं, बड़ा कोड हो जाएगा, आउटपुट काफी बड़ा आएगा। तो यहाँ पर हम D1 और D2 दो लेते हैं, 2 डेट हमने इनपुट लिया, 2 डेट को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पर एक मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ से हमको आउटपुट देखना है, तो मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर दिया हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शो मंथ, हमको शो मंथ नहीं करना है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, D1.show next 7 date। तो D1 में मैंने जो भी डेट दी है उसके अगला, उससे 7 दिन तक वो कोई डेट प्रिंट करेगा। वैसे ही D2 में मैं क्या करता हूँ, शो नेक्स्ट 7 डेट, तो D2 में मैंने जो डेट दी है वो प्रिंट करेगा, लेकिन D1 और D2 की जो डेट है वो मिक्स हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से एक मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर से D1 या D2 स्टार्ट हुआ है, और D3 यहाँ पर नहीं है फिलहाल, मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। आपने यहाँ पर देखा कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में जैसा डेट के एक, जो भी डेट हम देंगे उससे 1 हफ्ते के बाद की डेट हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, इस D1 के अंदर हम यहाँ पर लूप लगा दिए हैं और लूप लगा करके यहाँ पर DD को प्लस प्लस कर दिया, प्रिंट करा रहे हैं। ये काम हम बाहर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ लूप भी लगा सकते थे, लेकिन शो नेक्स्ट 7 डेट करने से जो डेट आप देंगे उसके बाद की 7 दिन की डेट वो प्रिंट करेगा, क्लियर है। तो देखिए क्या होता है, अब हम इसको रन करते हैं, सबसे पहले सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। मैंने रन किया, पहला जो डेट है मैं दे रहा हूं 1 नवंबर 2020, ध्यान से देखिए मैंने पहला डेट दिया है 1 नवंबर 2020, और दूसरा दे रहा हूं मैं 15 दिसंबर 2020। तो जो पहली डेट है 1 नवंबर 2020, उसके आगे की 7 डेट क्या होगी, 2 नवंबर 3 नवंबर 4 नवंबर 5 नवंबर 6 नवंबर और 7 नवंबर। वैसे ही 15 के बाद क्या होगी, 15 16 17 18, ऐसे डेट हमें प्रिंट करेगा, क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, मैं इंटर करूंगा तो आउटपुट आएगा, और मैंने इनपुट एंटर किया, ऊपर का जो 2 डेट पहले प्रिंट किया, 1 नवंबर 2020, 15 दिसंबर 2020, और उसके बाद नीचे 7 डेट प्रिंट हो गई है, 1 नवंबर 2 नवंबर 3 नवंबर 4 नवंबर 5 नवंबर 6 नवंबर और 7 नवंबर। उसी प्रकार से D2 के लिए भी 15 दिसंबर 16 दिसंबर 17 दिसंबर 18 दिसंबर 19 20 और 21। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमने यहां पर जो डेट दी थी उसके आगे के हम 7 डेट यहाँ पर प्रिंट कर पा रहे हैं, नेक्स्ट 7। हम 7 के बदले यहाँ पे 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, लूप की संख्या कम ज्यादा की जा सकती है, ठीक है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया है, क्लियर है। फॉर लूप को हम व्हाइल लूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो फॉर को व्हाइल में कन्वर्ट करना है तो काफी आसान चीज है कि फॉर को हम कैसे व्हाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर को व्हाइल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है फॉर को मिटा के व्हाइल लिखेंगे, और ये i=1 यहां लिख देते हैं ऊपर, और ये जो i++ है इसको नीचे ले जाते हैं, देखिए यही काम हम while लूप से कर रहे हैं। तो मैंने फिर से यहां पर दिया 1 नवंबर 20, और हम यहां पर फिर से देख रहे हैं 15 दिसंबर 20, सेम काम हमने while लूप से कर दिया।
सेम काम हम डू वाइल से भी कर सकते हैं, और अगली क्लास में हम वाइल डू वाइल के ऊपर एक लंबा चौड़ा लेक्चर भी लेंगे लूप के ऊपर ही, क्लियर है। लेकिन अभी फिलहाल मैं करके दिखा देता हूँ कि डू वाइल से करना है तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा ये पूरा जो वाइल वाला हिस्सा है इसको मैं क्या करूँगा, कट कर दूंगा, शिफ्ट डिलीट किया और नीचे ले जाएंगे, यहाँ उठा के नीचे ले गए। वाइल में देखिए क्या किए, यहाँ पर डू लिख देते हैं और ऊपर वाला जो एंट्री था उसको एग्जिट कंट्रोल कर दिए, यहाँ पे डू लिख दिए और इसको एग्जिट कर दिए, क्लियर। तो अब देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पे डू लिखा और उसको एग्जिट कंट्रोल में ले गया, सेमीकोलन लगा दिया, रन करते हैं। और मैंने डेट दिया 1/11/20 और दूसरी डेट दी मैंने 15/12/20। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक ही प्रोग्राम को मैंने फॉर से भी बनाया, वाइल से भी बनाया और डू वाइल से भी बनाया। आपको बहुत इजी तरीके से मैं कल लूप के बारे में एक लेक्चर दूंगा, पूरा जो कल का लेक्चर रहेगा वो लूप के ऊपर रहेगा, कैसे एक फॉर लूप को तुरंत वाइल लूप में बदल दिया जाता है, कैसे वाइल लूप को तुरंत डू वाइल में बदला जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको कल बताऊंगा, ताकि आप भी हर प्रोग्राम में फॉर को वाइल और वाइल को डू वाइल में आसानी से कन्वर्ट कर सकें। लेकिन मेरा जो बताने का उद्देश्य था कि देखिए हम अपनी क्लास के अंदर, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, हम अपनी क्लास के अंदर किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने रेलवे रिजर्वेशन के जैसा डेट का स्ट्रक्चर तैयार किया है, तो ये जो था हमने लूप को यूज किया अपने क्लास के अंदर। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।